नौजवान आने दुपहरिया, आप जिस दिल जमई के साथ सुन रहे हैं, अब आपके दरमियान एक चहेती शख्सियत, आप सबकी महबूब शख्सियत, मैं दो शेरों के साथ के तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहिद, तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहिद, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा न मिला, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा न मिला, और ताकि तू समझे कि मर्दों के भी दुख होते हैं, ताकि तू समझे कि मर्दों के भी दुख होते हैं, मैंने चाहा भी यही था कि तेरा बेटा हो। एक शायर जिसने मुशायरों की दुनिया में सन 2002 और 3 के आसपास कदम रखा और आते ही देखते वो हिंदुस्तान के मुशायरों और स्टेज पर और जहनों पर इस तरह छा गया के बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर कुछ ज़रबुल मसल अशार सुनने को मिले। लोग गुनगुनाते हुए अपनी दिलबस्तगी का सामान फराहम करने लगे, अपनी तन्हाई को आबाद करने लगे और मन ही मन में अपनी महबूबाओं से गुफ्तगू करने का एक बहाना उन्हें हाथ आ गया। आज वो शायर सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, जिसके नाम की शमूलियत ही किसी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत होती है। और वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी उर्दू ज़ुबान की नुमाइंदगी करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े ही अजीब माहौल में सिराज भाई ने मुझे ज़हमते कलाम बख्शा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस मूड में हैं, आप मुशायरा सुनना चाहते हैं या शेर कहना सुनना चाहते हैं जी। अगर आप मुशायरा सुनने के मिजाज में हैं तो एक बार तालियां बजा करके हमें इजाजत दें। तालियों से इस्तकबाल करें और इजाजत दें आप अपने महबूब शायर को। प्लीज मैं शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं और यहीं से आपकी समातों का मैं इम्तिहान ले रहा हूं कि आपको किस तरह से सुनना है हमें और कितनी देर बर्दाश्त करनी है। शेर मुलाजा फरमाएं कि ज़मीरे खुफ्ता को मैं नींद से जगाता हूँ। बैठ जाएं, आगे के लोग बैठ जाएं, आप लोगों की ज्यादा आप लोग बैठ जाएं, पीछे के लोग जो कर रहे हैं वो करते रहें। ज़मीरे खुफ्ता को मैं नींद से जगाता हूँ, जो अपनी आंखों से देखा वही सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ज़मीरे खुफ्ता को मैं नींद से जगाता हूँ, जो अपनी आँखों से देखा वही सुनाता हूँ और सुखन परस्त हूँ हक से है मेरा याराना, सच से है मेरा याराना। मैं शेर कहता नहीं आईना दिखाता हूँ, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अब बढ़िया तरन्नुम से पढ़ दीजिए, मजेदार। शेर मुलाजा फरमाए। हालात कैसे हैं, सारी बातें असद भाई ने बितफसील आपको बयान की, आपके सामने पेश की। आप समझदार हैं, मैं शेर पेश करता हूँ इस यकीन के साथ कि दुपहरिया वालों की मुकद्दस समातें वहाँ जरूर पहुँचेंगी जहाँ हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। सदाएं आ रही है हर तरफ से आज मातम की। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। सदाएं आ रही है हर तरफ से आज मातम की। अगर शेर सच्चा है, आप महसूस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द फैले हुए दर्द को, कर्ब को, तो ये कि एक शख्स का हाथ उठना चाहिए और मेरी तायीद होनी चाहिए कि सदाएं आ रही है हर तरफ से आज मातम की। बताओ दौर कब लाओगे वो शहनाई का साहब। सदाएं आ रही है हर तरफ से आज मातम की। बताओ दौर कब लाओ गे वो शहनाई का साहब। वो पेट्रोल डीजल गैस या हो तेल राई का। वो पेट्रोल डीजल गैस या हो तेल राई का। इलाज आखिर करोगे इन्हें कि कब महंगाई का साहब। इलाज आखिर करोगे इन कि कब महंगाई का साहब। और एक बात, कभी कभी हमको ऐसा लगता है, कभी कभी कि फला पार्टी या फला लोग हमारे अपने हैं, या कभी आपको महसूस होता है कि फला शख्स हमारा गमगुसार है, हमारे दर्द को समझने वाला है, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। हम अपना वोट दे करके, अपनी तायीद दे करके उनको, जब उन्हें सरबराही देते हैं, क़यादत देते हैं, तो मंजर क्या होता है। शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि हो जिसमें खुद मफादी बसे उसी की बात करती है। हो जिसमें खुद मफादी बसे उसी की बात करती है। सियासत कब खुलूसो आशिती की बात करती है। सियासत कब खुलूसो आशिती की बात करती है। और मनारों से इसे मतलब न है हाजत शिवालों की। फकत कुर्सी की खातिर हर किसी की बात करती है। फकत कुर्सी की खातिर हर किसी की बात करती है। फकत कुर्सी की खातिर हर किसी की बात करती है। बहुत खूब अबरक भाई, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दे कमाल देखेगा खुदाए पाक, कहाँ दे कमाल देखेगा जब इंतकाम की कोई मिसाल देखेगा। खुदाए पाक का हद कमाल देखेगा जब इंतकाम की कोई मिसाल देखेगा, हमें यकीन है फिरऔन वक्त तू एक दिन, हमें यकीन है फिरऔन वक्त तू एक दिन खुद अपनी आँखों से अपना ज़वाल देखेगा, तू अपनी आँखों से अपना ज़वाल देखेगा, तू अपनी आँखों से अपना ज़वाल देखेगा। बहुत खूब। और ये चार मिसरे और मुलाजा फरमाए, उसके बाद एक गजल के चंद शेर पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। कि जो जख्म तूने दिए थे उन्हें रफू करके, एहदा साहब, जो जख्म तूने दिए थे उन्हें रफू करके मैं जी रहा हूँ गमे दिल से, मैं जी रहा हूँ गमे दिल को मुश्किबू करके, और नमाज इश्क अदा कर रहा हूँ शामो सहर, नमाज इश्क अदा कर रहा हूँ शामो सहर, फिराक यार के अशकों से मैं वजू करके, फिराक यार के अशकों से मैं वजू करके, फिराक यार के अशकों से मैं वजू करके। और एक गजल के चंद शेर मुलाजा फरमाए।